इससे पहले भी काफी सारी वीडियोस में काफी सारे एमसीक्यूज हम कवर कर चुके हैं। एक मॉडल क्वेश्चन पेपर भी हमने सॉल्व किया, उम्मीद करता हूँ सभी वीडियोस आपने देखी होंगी। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है फिर कोई भी वीडियो आपकी मिस हो गई है तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट एड एंड हेल्थ के नाम से, वहां से जाकर आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जो हमें इस वीडियो में कवर करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, द एयर इन द ह्यूमन बॉडी रीचेस द लंग्स इन दिस वे। जो एयर हमारी बॉडी में पहुंचती है, ठीक है, लंग्स तक जो पहुंचती है वो किस चीज के जरिए पहुंचती है, थ्रू द माउथ, थ्रू द नोस्ट्रिल्स ऑफ द नोज, स्किन या फिर नन ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, थ्रू द नोस्ट्रिल्स ऑफ द नोज। तो हमारी नोज के जो दो नोस्ट्रिल्स हैं उसके थ्रू एयर हमारी बॉडी में जाती है, लंग्स तक पहुंचती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सम ब्रीदिंग प्रॉब्लम इज सीन इन द नोज ऑफ। कुछ ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं किसकी नोज में, चिल्ड्रन की, एडल्ट्स की, इन ओल्ड एज या फिर इन ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, चिल्ड्रन। वैसे इसका कोई पर्टिकुलर आंसर हम कह नहीं सकते कि चिल्ड्रन ही रहेगा, ये जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है किसी को भी हो सकती है, ठीक है, डिपेंड करता है कि क्या प्रॉब्लम उसको है। तो चिल्ड्रन में भी ये देखी जाती है, एडल्ट्स में भी ये हो सकती है, ठीक है, ओल्ड एज में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन चिल्ड्रन में ऐसा ज्यादा देखा जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ए हमारा चिल्ड्रन आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे, इफ समथिंग गेट्स स्टक इन द नोज व्हाट फर्स्ट एड शुड बी डन। अगर हमारी नोज में कोई चीज फंस जाती है तो उसके लिए फर्स्ट एड क्या होगा, मतलब डॉक्टर के पास ले जाने से पहले या फिर डॉक्टर के पास जाने से पहले हम खुद की या फिर जिस भी पर्सन को प्रॉब्लम हुई है उसके लिए क्या हेल्प कर सकते हैं। ब्रीथ थ्रू द माउथ बिलो द नोज सेवरल टाइम्स, ब्रीथ थ्रू द माउथ एंड एक्सहेल फोर्सफुली थ्रू द नोज या फिर ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ऑप्शंस आपके समझ में आए होंगे कि माउथ से ब्रीथ करो, ठीक है, नोज से आप ब्रीथ नहीं करो जिससे कि वो चीज और अंदर ना चली जाए, ठीक है, उसको आगे की तरफ आप ब्रीथ करो, कि काफी बार जब आप उसको ब्रीथ करोगे तो हो सकता है वो नोज से बाहर आ जाए, ठीक है, बाहर की तरफ आपको नोज से ब्रीथ करना है, जो भी चीज फंसी शायद वो बाहर आ जाए, ठीक है। आपको माउथ से एक्सहेल करना है, फोर्सफुली आपको बाहर की तरफ वो चीज पुश करनी है, ठीक है। तो जब ये आप सब चीजें कर लोगे तो यही एक फर्स्ट एड होगा वो नोज में जो भी चीज फंसी है उसके लिए, ठीक है, उसको निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑल ऑफ द अबव, फिर चाहे वो प्रॉब्लम आपके साथ हुई हो या फिर आपके साथ कोई भी पर्सन है उसके साथ ऐसा कुछ हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट एड यानी कि फर्स्ट हेल्प जो रहेगी वो ये तीन पॉइंट रहेंगे, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे, इन व्हाट पोजीशन शुड यू कीप योर हेड व्हेन नोज ब्लीड्स। अगर नोज से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, नोज से अगर खून निकल रहा है तो उस कंडीशन में आप अपने हेड की पोजीशन कैसी रखोगे, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, एट द सेम लेवल या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, फॉरवर्ड, यानी कि आप अपने हेड की पोजीशन ऊपर की तरफ कर लोगे और वो ब्लीडिंग जो है वो नीचे की तरफ ना आके वो ऊपर ही रहेगी, मतलब कि जो ब्लड का फ्लो है वो नीचे की तरफ ना आके वो ऊपर को ही हो जाएगा, ठीक है, और वो ब्लड बाहर नहीं आएगा, ठीक। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड, राइट। आगे है, वेयर आर द टेस्ट बड्स फाउंड। जो टेस्ट बड्स होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, ऑन द टंग, लेरिंग्स, एसोफेगस या फिर स्टमक। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑन द टंग, क्योंकि टंग हमारी किस लिए होती है, टेस्ट के लिए, और वो टेस्ट बड्स कहाँ पर होंगे, टेस्ट से ध्यान रखना आप, टंग में, ठीक है। आगे है, द नॉर्मल लेंथ ऑफ अ ह्यूमन किडनी इज। तो जो हमारी किडनी होती है उसकी नॉर्मल लेंथ की अगर हम बात करें तो कितनी होती है, 3 inches, 3.5 inches, 4 inches या फिर 4.5 inches। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, 4 inches, ठीक है। अगर 4 to 5 inches भी अगर आपको ऑप्शन देखने को मिले तो आप वो भी लगा सकते हैं, 4 to 5 inches बेसिकली वो होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 दिया है और 4.5 दिया है, 5 दिया है, तो हम यहाँ पर कहेंगे 4 inches करेक्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द विड्थ ऑफ अ ह्यूमन किडनी इज। इस बार हमसे पूछ रहे हैं विड्थ यानी कि चौड़ाई ह्यूमन किडनी की, 3 inches, 3.5 inches, 4 inches या फिर 4.5 inches। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, 3 inches। अगर आपको ऑप्शन में देखने को मिले 2 से 3 inch तो वो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो जो बेसिकली हाइट होती है ह्यूमन किडनी की, सॉरी, जो विड्थ होती है ह्यूमन किडनी की वो होती है 2 to 3 inches, ठीक है। तो 2 यहाँ पर इन्होंने कहीं हमें दिया नहीं है, बाकी 3 से ज्यादा दिए, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ऑप्शन ए यानी कि 3 inches इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। आगे है, द नॉर्मल वेट ऑफ ह्यूमन किडनी इज। अब ह्यूमन किडनी का वेट ही हमसे पूछ रहा है, ऑप्शन ए है 150 ग्राम, 175 ग्राम, 200 ग्राम या फिर 250 ग्राम। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, 150 ग्राम। तो नॉर्मल वेट जो होता है ह्यूमन किडनी का वो 120 से 150 ग्राम के बीच में होता है, तो 120 से लेकर 30-40 ऐसा कुछ दिया नहीं, तो 150 ग्राम इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राइट। आगे है, द मेन फंक्शन ऑफ अ किडनी इज। अब किडनी का मेन फंक्शन ही हमसे पूछ रहे हैं, टू एक्सपेल बॉडी वाटर, ठीक है, टू एक्सपेल बॉडी वेस्ट मटेरियल, टू एक्सपेल बोथ ए एंड बी अबव फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी, यानी कि जो हमारी बॉडी का वाटर है वो भी वो बाहर निकालती है, ठीक है, और जो हमारी बॉडी में वेस्ट है वो भी वो बाहर निकालती है किडनी, ठीक है। तो वो उसका मेन फंक्शन हो गया, ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे, इन ह्यूमंस यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन द लीवर एंड इज फिल्टर्ड आउट बाय द किडनी, ट्रू, फॉल्स, हाफ ट्रू या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ट्रू। तो इन्होंने आपसे ये पूछा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एट व्हाट एज डज प्यूबर्टी यूजुअली स्टार्ट इन यूथ। तो यूथ की अगर हम बात करें तो उसमें प्यूबर्टी कब स्टार्ट होती है, 10 to 12 की एज में, 12 to 14 की एज में, 12 to 16 या फिर 14 to 16 की एज में।
हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट 12 to 14। तो 12 to 14 की जो एज होती है वो प्यूबर्टी की एज होती है, ठीक है। यूथ में प्यूबर्टी आती है 12, 13, 14 की उम्र में, जिसमें हमारी बॉडी के अंदर ड्रास्टिक चेंज आता है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है। विजिबल चेंजेस हम उनको कह सकते हैं, राइट। तो हम सभी की बॉडी में वो सब चेंजेस आए हैं जब हम 12, 13 या 14 की उम्र के थे, राइट। चाहे वो कोई लड़की हो चाहे वो कोई लड़का हो, राइट। तो प्यूबर्टी जो स्टार्ट होती है वो 12, 13, 14 की उम्र से स्टार्ट हो जाती है, राइट। आगे बढ़ने के लिए क्वेश्चन की तरफ, विच सोशल चेंज डज नॉट टेक प्लेस इन प्यूबर्टी। तो कौन सा सोशल चेंज प्यूबर्टी में नहीं आता है या फिर प्यूबर्टी एज के बाद नहीं आता है? वरिंग अबाउट द वर्क, सॉरी, वे यू लुक, वांटिंग मोर फ्रीडम, ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द जेनिटल्स, अट्रैक्शन टुवर्ड अपोजिट सेक्स, ठीक है। तो तीन चीजें यहाँ पर हैं जो सोशली हैं, वरिंग अबाउट द वे यू लुक, वांटिंग मोर फ्रीडम, हमें ज्यादा फ्रीडम चाहिए, हम उस चीज के बारे में सोचते हैं कि कैसा हम दिख रहे हैं, हमें अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई हमारी सोशल वाली। अब फिजिकल है यहाँ पर एक, ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द जेनिटल्स, जेनिटल्स में हेयर की ग्रोथ होती है, तो ये सोशल चेंज नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द जेनिटल्स, ठीक है। इन्होंने हमसे पूछा, ध्यान रखना क्वेश्चन में इन्होंने हमसे पूछा है कि कौन सी सोशल चेंज है जो प्यूबर्टी के बाद नहीं आता है, ठीक है। ए बी और डी ऑप्शन हमारा सोशल चेंज है, लेकिन ये जो हमारा सी ऑप्शन है हमारा फिजिकल चेंज, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हु एक्सपीरियंसेस चेंजेस इन वॉइस, एक्ने एंड डिफरेंट मूड स्विंग्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है। कौन एक्सपीरियंस करता है वॉइस में चेंज, एक्ने उसकी बॉडी पर आता है, ठीक है। डिफरेंट मूड स्विंग्स होते हैं प्यूबर्टी के दौरान या फिर प्यूबर्टी के बाद जस्ट, ठीक है। ओनली वुमेन, ओनली मैन, बोथ ए एंड बी अबव या फिर नन ऑफ द अबव, हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। तो वुमेन के साथ भी वो होता है और मैन के साथ भी वो होता है, जब प्यूबर्टी की एज हिट करती है या फिर प्यूबर्टी हिट करती है तो उसके बाद उसकी, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो, उसकी वॉइस में भी चेंज आएगा, ठीक है। बॉडी के जो एक्ने है वो भी आएगा, मूड स्विंग्स भी होंगे, सभी चीजें होती हैं बोथ मैन और वुमेन के साथ, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चेंजेस हैव बीन ऑब्जर्व इन एडोलसेंस ड्यूरिंग एडोलसेंस। अब प्यूबर्टी के बाद एक फेज आती है जिसको हम बोलते हैं एडोलसेंस, वो आती है 13 से 17 के बीच में, जिसमें बच्चा थोड़ा सा यंग होना शुरू होता है, राइट। तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं वो ही हमसे पूछ रहे हैं, इंक्रीज इन वेट एंड हाइट, द साइज ऑफ द टेस्टिकल्स एंड टेस्टिस इज लार्ज, नियर द जेनिटल्स द फेकल नेट्स आर प्रोड्यूस, या फिर ऑल ऑफ द अबव, हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो एक एडोलसेंस में ये कुछ चेंजेस आते हैं, या फिर हम कह सकते हैं 13 से 17 की एज में जो भी बच्चा है उसमें ये कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है, गर्ल्स आर यूजुअली अ लिटिल मोर डैश एडल्ट्स देन बॉयज, लेटर, अर्लियर, टुगेदर या फिर नन ऑफ द अबव, हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, अर्लियर। तो जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से थोड़ा पहले एडल्ट हो जाती हैं, तो यहाँ पर जो डैश है वो अर्लियर आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो ये बनेगा, गर्ल्स आर यूजुअली आर लिटिल मोर अर्लियर एडल्ट्स देन बॉयज, तो बॉयज से थोड़ा सा पहले गर्ल्स जल्दी एडल्ट हो जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग चेंजेस इन एडोलसेंट गर्ल्स आर, एक एडोलसेंट गर्ल में जो जो चेंजेस आते हैं उसको क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, फूड, एक्टिविटी ऑफ ग्लैंड्स, जेनेटिक डिफरेंसेस या फिर ऑल ऑफ द अबव, हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। अगर कोई भी एडोलसेंट गर्ल है, ठीक है, उसमें जो अलग अलग चेंजेस उसकी बॉडी में आने हैं, जो भी चेंजेस एक गर्ल की बॉडी में आते हैं, ठीक है, तो उन चेंजेस को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, वो फूड भी हो सकता है, ठीक है, वो उसके ग्लैंड्स की एक्टिविटी भी हो सकती है जो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, वो जेनेटिक डिफरेंस भी हो सकता है जो उसको अपने मम्मी पापा से मिला है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को अगर हम देखें तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो उसकी बॉडी को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो ग्रोथ उस समय हो जानी चाहिए थी, हो सकता है वो थोड़ी लेट हो गई, ठीक है, या फिर वो थोड़ा पहले हो गई, वो समय पर नहीं हुई, वो बाद में हुई, पहले हुई, तो इस तरह के कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं इन सब फैक्टर्स की वजह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इमोशनल चेंजेस इन एडोलसेंट गर्ल्स आर। अब एडोलसेंट गर्ल के इमोशनल चेंजेस को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, हेल्थ ऑफ द गर्ल चाइल्ड, बिहेवियर ऑफ द पेरेंट, स्कूल एनवायरनमेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये एक सोशल क्वेश्चन है, ठीक है, अगर हम देखें तो इस पर एक सोशल पूरा एक टॉपिक हम उठा सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो एज वाइज बिल्कुल ठीक है, ठीक है, उनकी हाइट वगैरह काफी ठीक है, पर वो बहुत डरे डरे से रहते हैं, राइट। अब वो डरे डरे जो रहते हैं वो ऐसा क्यों होता है, हो सकता है उनकी जो ग्रोथ है इमोशनली वो अच्छे से नहीं हो पाई, उसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, वही ये क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है। जो उसकी जो गर्ल है उसकी जो हेल्थ है, हो सकता है वो थोड़ी खराब हो, ठीक है, वो काफी वीक दिखती हो, ठीक है, काफी वीक हो बॉडी से, राइट। उस बच्चे के प्रति उसके मम्मी पापा का व्यवहार कैसा है वो भी उसके इमोशनल चेंजेस को अफेक्ट कर सकता है। अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है तो वो अलग तरीके से डेवलप होंगे, जो भी उसके इमोशनल चेंजेस में आएंगे वो कुछ अलग तरीके से होंगे, ठीक है। हो सकता है स्कूल एनवायरमेंट उसको बहुत खराब मिला हो, ठीक है, उसकी बॉडी काफी वीक टाइप की दिखती है, तो हो सकता है बच्चे उसका मजाक बनाए, तो वहां पर भी उसके जो इमोशनल चेंजेस है वो अफेक्ट होंगे, ठीक है। और डी ऑल ऑफ द अबव, तो ये सभी चीजें हैं हम यहाँ पर कह सकते हैं डी ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर है, ठीक है, जो एक एडोलसेंट गर्ल है उसके इमोशनल चेंजेस को अफेक्ट कर सकती है ये सभी चीजें, ठीक है, उसकी खुद की हेल्थ उस बच्ची की, ठीक है, उसके मम्मी पापा का बिहेवियर उसके लिए कैसा है वो, और उसके आसपास का एनवायरनमेंट, चाहे वो स्कूल का हो चाहे वो उसके घर के पास का हो, ठीक है, कैसे फ्रेंड्स में वो रह रही है, ये सभी चीजें अफेक्ट करती हैं हमें भी,
ठीक है, सिर्फ एक गर्ल की बात नहीं है, हम सभी के साथ एक प्रॉब्लम है, हमने भी कभी ना कभी ऐसी कुछ चीजें फेस करी होंगी अपनी लाइफ में। ठीक है, कोई बुली वगैरह होता है ठीक है हमारे साथ, या फिर हमारी किसी फिजिकल अपियरेंस को लेके मजाक बनाई जाती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कभी ना कभी हमने किसी के साथ होते हुए देखी होंगी, कभी अनजाने में करी भी होंगी। ठीक है, तो फिलहाल बहुत एक बड़ा टॉपिक है, बहुत लंबी बात है, हम इस टॉपिक पर कर सकते हैं, पर हमें इस टॉपिक पर बात अभी नहीं करनी है। ठीक है, फिलहाल हम अब समझदार हो चुके हैं और हमें काफी सारी चीजें, इन सब चीजों के बारे में पता है। ठीक है, काफी सारी बातें हमें पता है कि ये छोटी छोटी चीजें भी बहुत ज्यादा हमें अफेक्ट कर सकती है। एक किसी की मजाक बनाना भी उसकी जान पर वो बात बन सकती है। ठीक है, वो इतना ज्यादा इमोशनली उस चीज को ले सकता है, अपने दिल पर वो उसको ले सकता है, छोटी सी बात को, कि हम सोच नहीं सकते कितना बुरा वो अपने साथ कर सकता है। ठीक है, या फिर कितना बुरा प्रभाव सामने वाले पर पड़ सकता है हमारी किसी भी मजाक का। ठीक है, तो सब हम समझदार हैं, हमें बहुत अच्छी सब चीजें ये पता है। ठीक है, तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन डज द हाइट ऑफ गर्ल्स स्टॉप ग्रोइंग। ठीक है, अब ये गर्ल की बात करें या फिर बॉय की बात करें, दोनों की हम बात करें वहां पर भी ये हम कह नहीं सकते कि फिक्स ही है। ठीक है, किसी की हाइट 16 पर ये रुक जाती है, किसी की हाइट 15 पर रुक जाती है। मैंने बहुत ऐसे देखे हैं लोग कि उनकी एज अच्छी खासी, लेकिन उनकी हाइट उस एज के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ी। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर आंसर नहीं दे सकते, वैसे 18 ऐसा कहा जाता है। ठीक है, जो 18 की एज होती है, 18 के बाद हाइट नहीं बढ़ती, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो। बाकी पर्सन टू पर्सन वो डिपेंड करता है, काफी सारे फैक्टर्स होते हैं कि उसकी हाइट 18 के बाद भी बढ़ भी सकती है, और 18 से पहले ही वो हाइट की ग्रोथ जो है वो रुक भी सकती है। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पर 18 आंसर इसको कहेंगे, 18 ईयर। ठीक है, तो ये थे कुछ और आएगी एमसीक्यूज फर्स्ट एंड हेल्थ की यूनिट 3 के। इस वीडियो में बस इतना ही, इसी तरह से आएगी एमसीक्यूज हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, मैंने आपको यहाँ पर कुछ यूजर नेम दिए इंस्टाग्राम फेसबुक और टेलीग्राम चैनल के, वहां से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे, और आप में से जिसका भी एग्जाम है उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। एग्जाम से बिल्कुल भी डरो मत, बहुत इजी क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, जितनी भी वीडियोस यहाँ पर आपको दी गई हैं वो बहुत अच्छे से उसमें सब चीजें बताई गई हैं, सारे क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं। ठीक है, उन्हीं में से क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत सिमिलर, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, सेम क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, और थोड़ा अलग भी अगर आएगा तो आपको एटलीस्ट पता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, मॉडल क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवाया, फर्स्ट ईयर हेल्थ की प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो वहां पर आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर की वीडियोस भी मिल जाएंगी, वो वीडियोस भी आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, और यूनिट वाइज भी सारे पार्ट मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है एग्जाम से, बहुत ईजी आपको एग्जाम देखने को मिलेगा, थोड़े क्वेश्चन अलग भी हो सकते हैं, पर कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि जो आपने कभी ऐसा जाना ही ना हो, बहुत अलग से ऐसा कुछ नहीं आएगा, तो डरने की जरूरत नहीं है, अच्छे से एग्जाम करना, अच्छे से तैयारी करो, अपना बेस्ट दो, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।